let's go. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible. दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जिनको हमने उनके फिजिक, मस्कुलरिटी और उनके जीते हुए टाइटल्स और उनकी पॉजिटिविटी खेल के तरफ को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप 10 बेस्ट बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट बनाई है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आते हैं डेक्स्टर जैक्सन, जो एक बड़े और अनुभवी बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता है। डेक्स्टर जैक्सन को हम बेहतरीन एप्स के लिए जानते हैं। उनको हम द ब्लेड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उनके कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डिंग और शेप की वजह से। उनके नाम 28 प्रोफेशनल IFBB बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स का रिकॉर्ड है। जैक्सन ने एर्नोल्ड क्लासिक भी 5 बार जीता है, सबसे ज़्यादा किसी भी बॉडी बिल्डर से। फिर नंबर 9 पर आते हैं फिल हीथ। फिल हीथ ने अपना डेब्यू 2006 में किया था और 2011 से 2017 तक उन्होंने लगातार 7 मिस्टर ओलंपिया जीते। फिल हीथ का निकनेम द गिफ्ट था। फिर नंबर 8 पर आते हैं लॉ फेरिग्नो। बिना इनक्रेडिबल हल्के तो टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। लॉ फेरिग्नो का बचपन काफ़ी कठिन था क्योंकि वो शर्मीले भी थे और वह कान भी कम सुनते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने वेट उठाना शुरू किया और अगले 10 साल में सबसे यंगेस्ट मैन बन गए, जिसने 2 बार IFBB मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन जीता। 23 साल की उम्र में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में एंट्री ली। कुछ लोगों का मानना था कि आर्नोल्ड के बाद कोई बॉडी बिल्डर जो मिस्टर ओलंपिया जीत सकता है तो वो ये ही है, मगर ऐसा हुआ नहीं और लॉ फेरिग्नो ने फिर अपनी दिलचस्पी हॉलीवुड कैरियर में दिखाई, जिसमें वह हल्क बने। नंबर 7 पर फ्लैक्स व्हीलर आते हैं। फ्लैक्स व्हीलर 4 बार आर्नोल्ड क्लासिक जीत चुके हैं और खुद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उन्हें सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बताया है। अगर आप सारे बॉडी बिल्डर अलग अलग समय के एक साथ खड़े कर दोगे तो आपको फ्लैक्स व्हीलर की फिजिक सबसे बेस्ट लगेगी। नंबर 6 पर आते हैं केविन लेवरॉन। अगर हम फ्लैक्स को एस्थेटिक फिजिक्स के लिए जानते हैं तो उनके प्रतिद्वंदी केविन लेवरॉन बेस्ट मस्कुलर फिजिक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रो शोज के 23 टाइटल्स और आर्नोल्ड क्लासिक के 2 टाइटल जीते हैं। 4 बार ओलंपिया की सेकेंड रैंकिंग, मगर कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं जीत पाए। नंबर 5 पर आते हैं ली हैने। ली हैने ने 31 साल की एज में बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, जिन्होंने रिकॉर्ड 8 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता और फिर अपना कैरियर बदल दिया। वो एकमात्र ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कोई टाइटल नहीं हारा। नंबर 4 पर आते हैं डोरियन येट्स। सबसे पहले असली मास मॉन्स्टर डोरियन येट्स, जो हैनी की तरह ओलंपिया नहीं हारे और हमारी लिस्ट में 4th रैंक में हैं। डोरियन ने बॉडी बिल्डिंग को नए पैमाने पर पहुंचा दिया। उनकी बॉडी का साइज और ग्रेनाइट जैसी कंडीशन किसी ने नहीं देखी थी। डोरियन ने अपने कैरियर में 6 ओलंपिया ट्रॉफीज जीती थी। डोरियन की ट्रेनिंग उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वह हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ट्रेनिंग करते थे। नंबर 3 पर आते हैं जे कटलर। जे कटलर ने अपना आधा कैरियर रॉनी कोलेमोन से लड़ने में लगा दिया। वह 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं। जे कटलर एकमात्र ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो पहले टाइटल हारने के बाद फिर कमबैक करके जीता। जे कटलर 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीते 2006, 2007, 2009 और 2010। कटलर का वेट 275 पाउंड है। नंबर 2 पर आते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर फिर भी आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में पता होगा, जो एक ऑस्ट्रिया के बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सबसे कम उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाले 20 साल में कुछ सालों में उन्होंने बहुत से टाइटल्स जीते, जिसमें मिस्टर यूनिवर्स के 4 टाइटल और मिस्टर ओलंपिया के 7 टाइटल शामिल हैं। अच्छे खासे बॉडी बिल्डिंग कैरियर के बाद 1968 में वह US चले गए और हॉलीवुड में काम शुरू कर दिया। नंबर 1 पर आते हैं रॉनी कोलेमोन। कोई डाउट नहीं है कि रॉनी कोलेमोन दुनिया के नंबर 1 बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम है। 1997 में मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स रिटायर हो चुके थे और पॉल डिलेट स्टेज पर हार चुके थे। तब रॉनी कोलेमोन ने बॉडी बिल्डिंग दुनिया को चौंका दिया और मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता 1998 में। कोलेमोन ने शॉन पे, ली प्राइस्ट, फ्लैक्स हीलर, केविन लेवरॉन सभी को हरा दिया, जो डोरियन येट्स के बाद सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स थे। रॉनी कोलेमोन सबसे बड़े बॉडी बिल्डर 300 पाउंड के ही नहीं बल्कि सबसे ताकतवर भी थे। 800 पाउंड वेट के सेवर स्क्वाट और डेडलिफ्ट मारते थे। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना अपना फेवरेट बॉडी बिल्डर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक एंड शेयर।